1.2 वोल्ट, ठीक है, 3.3 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, ठीक है, ये सारा वोल्टेज बन रहा है। तो हम 25Q32 के आईसी के पिन नंबर 7 और 8 में चेक करते हैं, 7 और 8 में 3.3 वोल्ट, ठीक है, ये 3.3 वोल्ट बन रहा है। तो उसके बाद हम इसमें प्रोग्राम चेक करते हैं, प्रोग्राम चेक करते हैं, प्रोग्राम चेक करने के बाद भी अगर हमारा सेट स्टैंड बाई में ही फंसा हुआ है, ठीक है, तो मेन आईसी हमारा खराब है। और अगर वोल्टेज ही हमें कोई मिसिंग है हमारा, जैसे कि 3.3 वोल्ट मिसिंग है, 1.8 मिसिंग है, 1.2 मिसिंग है, तो भी सेट स्टैंड बाई में रहेगा। तो अगर मान लीजिए 3.3 वोल्ट मिसिंग है, तो हम इस रेगुलेटर को चेक करते हैं कि पिन नंबर तीन में 5 वोल्ट इन हो रहा है कि नहीं। 5 वोल्ट इन होगा, 3.3 आउट मिलेगा, ठीक है। अगर 3.3 आउट नहीं हो रहा, तो ये रेगुलेटर हमको चेंज करना है, ठीक है। उसी तरह से ये 1.8 है, एक नंबर ग्राउंड, दो नंबर आउटपुट, तीन नंबर में इनपुट, तीन नंबर में 5 वोल्ट इनपुट, 1.8 वोल्ट आउटपुट, ये मिलना चाहिए। ये दोनों ओके है, 1.8 चेक, 1.2 वोल्ट चेक करेंगे, उसके लिए रेगुलेटर 5 पिन की लगी हुई है, इसको चेक करते हैं। ये नहीं बन रहा तो पहले हम इसको बनाएंगे 1.2 वोल्ट, ठीक है ना, बस यही है स्टैंड बाई में। तो